प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश वैंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार करता हूं। पिछले क्लास में उद्धार संबंधित विषयों को हम लोग स्टडी कर रहा था, जिसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार बाइबल का एक किताब है, उसका तीसरा अध्याय तीसरा पद से हम लोग देख रहा था। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यहां पर यीशु मसीह उसको उत्तर दिया करके हम लोग पढ़ते हैं। किसको उत्तर दिया? फरीसियों में निकदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। निकदेमुस जो इसराइल का एक रहने वाला था, यहूदी धर्म में जन्म लिया था, यहूदियों के बीच में ऐसा एक झुंड जो फरीसी कहता है, जो परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया हुआ लोग है, परमेश्वर का वचन में काफी जलन रखने वाला लोग था। और ये लोग यहूदियों का, इसमें निकदेमुस यहूदियों का एक सरदार भी था। उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने बातें करते हुए बताया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म होना, इस संसार में जीवन बिताने के लिए हम लोग मानुषिक शरीर धारण करके इस धरती में जन्म लिया। एक केवल इस धरती पर रहने के लिए है, 70 या 80 साल, कुछ लोग 100 साल तक जी रहा है और इसके बाद इस संसार छोड़कर जाना है। इब्रानियों का पत्रिका इसका 9वां अध्याय का 27वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया। सो एक दिन इस संसार छोड़कर जाना। अभी मरने के बाद हम कहां जाएंगे? बाइबल कहता है हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में जगह तैयार करके रखा है। इस स्वर्ग राज्य में जाना है तो बाइबल कहता है नए सिरे से जन्म होना। पुराना नियम में जानकारी रखने वाला फरीसियों में जो निकदेमुस नामक व्यक्ति, जो यहूदियों का सरदार था, उसको यह बात समझ में नहीं आया। उन्होंने यीशु मसीह से सवाल कर रहा 4 पद में, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? उनका विचार हुआ कि दोबारा मां का पेट में घुसकर दोबारा जन्म लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने 5वां पद में उसको जवाब दिया है। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3वां अध्याय इसका 5वां पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है तो
जल और आत्मा के द्वारा जन्म होना है। प्यारे भाइयों, इसमें से एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर का राज्य है। मरने के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया हुआ है वो स्वर्ग राज्य में जाना है, तो परमेश्वर का राज्य में जाना है तो जल और आत्मा के द्वारा हमें नए सिरे से जन्म होना। आत्मा का संबंध में कोई किसी को कोई शंका नहीं है, ये पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं जाना, इस संसार से जाना आपके लिए अच्छा है, मैं जाने के बाद में मैं एक सहायक को इस संसार में भेजेंगे जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वो आपको पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, आने वाला सजा के बारे में निरुत्तर करेंगे। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया है, जो आज्ञा दिया चलो लोगों को, उसी प्रकार जो पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आ गया। ये पवित्र आत्मा का प्रथम क्या काम क्या है मालूम है? आपको पाप के बारे में याद दिला रहा है। कई लोग बताता है, भैया हम क्या पाप किया हमको याद नहीं है, मैं अच्छा परिवार में जन्म लिया, हमारा परिवार का जो परंपरा के अनुसार हम लोग कोई गलती ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल कहता है हर एक मनुष्य पाप में जन्म लिया। दाऊद राजा ने कहता है, जब मैं मां का कोख में पड़ा पाप के साथ जन्म लिया। मुझे सुनने वाला भाई लोग कृपया ध्यान सुनिएगा, मनुष्य पाप से जन्म लिया, पाप में जीवन बिताते हुए मनुष्य अनंत काल का नरक में, जो शैतान के लिए ठगराया हुआ है, आग का झील में डाल दिया जाएगा। ओ मनुष्य को पाप के बारे में याद दिलाता है पवित्र आत्मा। आज मेरी बात सुनने वाला हर एक भाई बहनों से मैं विनती करता हूं, इस पवित्र आत्मा आपका दिल में भी यो याद दिला रहा, बेटा बेटी आप पापी है, पापी मनुष्य नरक में जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए 2000 साल पहले इस धरती में आया, आप सबका पाप लेकर मैंने क्रूस पर अपना जान दे दिया। जो कोई पवित्र आत्मा का जो आवाज सुनकर यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करते हैं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप प्रभु का बेटा बन जाएगा, आप आज जो नरक से बचकर स्वर्ग में चले जाएगा। यही उद्धार का संदेश है। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमेन।